हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जापनीज फॉर यू। और आज के लेसन में हम बात करेंगे लेसन 5 की वोकैबुलरी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इकीमास। इकीमास मींस गो, कीमास कम, काइरीमास मींस रिटर्न। अब यहाँ पे काइरीमास का क्या मतलब है, यानी जैसे हम बोलते हैं कि घर वापस आना, तो घर वापस आना मींस काइरीमास। और फिर है गाको, गाको मींस स्कूल। सुपा, सुपा मींस सुपरमार्केट, सुपरमार्केट। एकी, स्टेशन, स्टेशन। उसके बाद है हिकोकी, हिकोकी मींस एयरप्लेन, हिकोकी मींस एयरप्लेन। फिर है फुने, फुने मींस शिप, शिप। देन देंशा, देंशा मींस इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन। देन चिकातेत्सु, चिकातेत्सु मींस सबवे या फिर अंडरग्राउंड आप कह सकते हो। उसके बाद है शिनकानसेन, शिनकानसेन मींस बुलेट ट्रेन। देन बासु, ये काताकाना में लिखा है, बासु मींस बस। फिर है ताकुशी, ताकुशी मींस टैक्सी। देन जितेंशा, जितेंशा मींस बाईसाइकिल। उसके बाद है आरुइते, आरुइते मतलब ऑन फुट, जब हम पैदल जाने की बात करते हैं तो आरुइते। हितो, हितो मींस पर्सन। तोमोदाची, तोमोदाची मींस फ्रेंड। उसके बाद है कारे, कारे हम यूज करते हैं ही के लिए या फिर आप बॉयफ्रेंड के लिए भी बोल सकते हो। फिर कानोजो, कानोजो मींस शी या गर्लफ्रेंड। इसके बाद हम उसकी आगे की वोकैबुलरी देखते हैं। उसके बाद है फैमिली। तो फैमिली को हम बोलेंगे काजोकू, काजोकू। अलोन मींस हितोरी दे, हितोरी दे। लास्ट वीक को बोलेंगे सेंशू, सेंशू। जो शू है वो हम वीक के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है दिस वीक, दिस वीक मींस कोनशू। नेक्स्ट वीक राइशू। लास्ट वीक, लास्ट मंथ सेन गेत्सु, सेन गेत्सु। नेक्स्ट मंथ राइगेत्सु, राइगेत्सु। दिस मंथ कोन गेत्सु, कोन गेत्सु। लास्ट ईयर को बोलेंगे क्योनेन, क्योनेन। दिस ईयर कोतोशी, कोतोशी। नेक्स्ट ईयर राइनेन, राइनेन। उसके बाद है गात्सु, गात्सु हम यूज करते हैं मंथ ऑफ द ईयर। जैसे कोई भी मंथ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो उसके लिए लास्ट में गात्सु लगता है मंथ के लिए। उसके बाद है नान गात्सु, नान मैंने बताया था, नान मींस व्हाट और गात्सु मतलब मंथ के लिए यूज होता है, तो नान गात्सु मतलब व्हाट मंथ। उसके बाद है नान निची, नान निची मतलब विच डे ऑफ द मंथ। उसके बाद इत्सु, इत्सु मींस व्हेन। फिर है तानजोबी, तानजोबी मींस बर्थडे। उसके बाद है फुत्सु, फुत्सु मींस लोकल ट्रेन, लोकल ट्रेन को कहेंगे फुत्सु। फिर है क्यूको, क्यूको मींस रैपिड। उसके बाद है टोक्यो, टोक्यो मींस एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। सुगिनो मींस नेक्स्ट, सुगिनो मींस नेक्स्ट। उसके बाद है दोई ताशी माश्ते, दोई ताशी माश्ते मींस योर वेलकम। तो ये थी कुछ वोकैब्स। इसके अलावा भी कुछ और वोकैब्स है, वो हमें देखनी है। इसके बाद हमें देखनी है काउंटिंग। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हर चीज को काउंट करने का तरीका अलग होता है। हम हिंदी में क्या करते हैं, इंग्लिश में क्या करते हैं, कुछ भी काउंट करना होता है एक ही काउंटिंग यूज करते हैं, 1 2 3 4 हर चीज को। चाहे हमें कोई ऑब्जेक्ट काउंट करना हो या फिर हमें कोई चीज काउंट करनी हो या हम किसी पर्सन को काउंट कर रहे हैं, कुछ भी काउंट करते हैं तो एक ही काउंटिंग यूज करते हैं 1 2 3 4। बट जापनीज में ऐसा नहीं होता, हर चीज को काउंट करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट काउंट कर रही हूँ तो उसको अलग तरीके से काउंट करूंगी, कोई मशीन काउंट कर रही हूँ तो उसको अलग करूंगी, कोई थिन चीज या पेपर वाली चीज काउंट कर रही हूँ तो उसको अलग तरीके से काउंट करूंगी। तो ये अलग अलग काउंटिंग्स होती है। तो वैसे ही चैप्टर 5 में कुछ काउंटिंग क्या है कि जब हम मंथ के जो डेज होते हैं उनको काउंट करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं। तो जैसे पहला है सुइताची। तो जो सुइताची है उसका मतलब क्या होता है, द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। मतलब जब भी हम डे ऑफ द मंथ काउंट करेंगे तो उसकी काउंटिंग ये होगी। जब भी डे ऑफ द मंथ आपको काउंट करनी है, पहले वाली जो काउंटिंग हमने सीखी है
वो यूज नहीं करोगे, ये वाली काउंटिंग यूज करोगे। तो सुनीताची मीन्स द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। उसके बाद है फुत्सुगा। फुत्सुगा मतलब होता है द सेकेंड डे। उसके बाद मिक्का। मिक्का मतलब होता है द थर्ड डे। फिर योक्का। योक्का मीन्स द फोर्थ। इत्सुगा। इत्सुगा मतलब फिफ्थ। और मुइका। मुइका मतलब सिक्स्थ। उसके बाद है नानोका। नानोका का मतलब है सेवेंथ। उसके बाद योका। योका मतलब एट। अब यहाँ पे ज्यादातर कंफ्यूजन क्या होती है योका और योका में, इसमें दोनों की स्पेलिंग थोड़ी सेम सेम लग रही है, बट फर्क क्या है, यहाँ पे ये स्मॉल सू है और यहाँ पे ऊ है, तो ये होगा योका और ये होगा योका। तो यो का मतलब एट और योका मतलब फोर्थ। उसके बाद है कोकोनोका। कोकोनोका मीन्स नाइन्थ। उसके बाद तोका। तोका मीन्स टेन। तो ये काउंटिंग है डे ऑफ द मंथ काउंट करने की। उसके बाद है जुयोका। जुयोका यानी कि फोर्टीन्थ। और हात्सुका मीन्स ट्वेंटीथ। और निजुयोका। निजुयोका मतलब 24th। तो ये है तरीका डे ऑफ द मंथ को काउंट करने का। हर चीज का अलग अलग तरीका है, जैसे जैसे हम आगे आगे चैप्टर्स में बढ़ेंगे वैसे वैसे हर चीज को काउंट करने का तरीका भी सीखेंगे। तो चैप्टर 5 में जो वोकैबुलरी हमें देखनी थी उसमें इतना ही था। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। सायोनारा।